अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमयी और रोमांचक वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप इतिहास की किताबें पढ़कर चीन को धोखेबाज मानते हैं या फिर चाइनीज माल का हाल देखकर चीन से नफरत करते हैं, चीन दुनिया का ऐसा देश है जिसके बारे में कुछ ना कुछ जानने के लिए हमेशा लोग उत्सुक रहते हैं, चाहे वह उनकी संस्कृति हो या फिर खान पान। लेकिन चाइना इन हिंदी से जुड़े बहुत बातें हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता। चीन में जब सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी यूनिफॉर्म की कॉलर पे पिन लगा दिया जाता है ताकि वे अपनी गर्दन ऊपर ही रख सके। दुनिया भर में जहां अंडों को पानी में उबाला जाता है, वही चाइना में लड़कों के पेशाब में अंडे उबाले जाते हैं। चाइना में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाख बिल्लियां खाई जाती है। बीजिंग की हवा में प्रदूषण इतना है कि यहाँ सांस लेने से होने वाला नुकसान दिन में 21 सिगरेट पीने के बराबर है। चाइना में 3 करोड़ लोग गुफा जैसी घरों में रहते हैं। 2010 में चीन की शंघाई सिटी में 100 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा था। यह जाम 12 दिनों तक रहा। चाइना में हर 30 सेकंड में एक ऐसा बच्चा जन्म होता है जो जन्मजात दोष से प्रभावित होता है। चाइना में अमीर लोग अपने बदले दूसरों को जेल भेज सकते हैं। इंग्लिश बोलने वाले लोग अमेरिका से ज्यादा चाइना में है। अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने पे जायंट पांडा नजर आए तो आंख मूंद कर यकीन कर लेना कि इस पर चीन का अधिकार है। चीन ने इस प्रजाति को लीज यानी किराए पर लिया है। इनके बच्चों पर भी चीन का ही हक होगा। अगर आप हॉट एयर बलून से धरती को देखने निकलेंगे तो चीन का यांगशुओ शहर सबसे खूबसूरत नजर आएगा। 2025 तक न्यूयॉर्क जैसे चाइना में 10 शहर होंगे। चाइना में एक लड़के ने सिर्फ आईपैड खरीदने के लिए अपनी किडनी बेच दी थी। चाइना में चिड़िया के घोंसले से बनाए गए सूप की सबसे ज्यादा मांग है। जिस घोंसले का इस्तेमाल इस सूप के लिए होता है वो करीब 1.5 लाख रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। चाइना में एक शख्स को 12 साल की सजा दी क्योंकि उसने आखिरी चाइनीज बाघ को मारकर खा लिया था। दिलचस्प तथ्य यह है कि दूसरे देशों में पढ़ाई करने गए 10 चीनी छात्रों में से 7 कभी वापस नहीं लौटे। चाइना में खुदकुशी की इतनी घटनाएं होती है कि आपको नदी में से डेड बॉडी निकालने की भी नौकरी मिल सकती है। चाइना में वर्ष 2009 से ही फेसबुक, ट्विटर और द न्यूयॉर्क टाइम बंद है। चाइना में इंटरनेट की लत से परेशान लोगों के लिए भी कैंप है। चाइना दुनिया का वो देश है जहां सबसे ज्यादा पत्रकार और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग जेल में बंद है। चाइना में कोई बिजनेस शुरू करने में सिर्फ 38 दिन का समय लगता है। अमेरिका की इतनी आबादी नहीं है जितने चाइना में सेलफोन से। चाइना में हर साल 45 बिलियन चॉपस्टिक इस्तेमाल की जाती है। इनके लिए हर साल 2 करोड़ पेड़ काटे जाते हैं। 1400 साल पहले दुनिया की पहली पेपर मनी चाइना में बनाई गई थी। 2020 तक चीन में 3 से 4 करोड़ पुरुष ऐसे होंगे जिन्हें शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही होंगी। यूरोप के सभी देशों में जितने लोग चर्च जाते हैं, चाइना में रविवार को उससे ज्यादा लोग चर्च जाते हैं। 1973 में चीन ने 1 करोड़ महिलाओं को पॉपुलेशन बूस्ट करने के लिए अमेरिका को देने का प्रस्ताव रखा। दुनिया में जितने सुअर है उनके आधे अकेले चाइना में है। अगर आप चाइना की जमीन में किसी जगह गहराई तक खुदाई करें तो आप अर्जेंटीना या चिली पहुंच जाएंगे। चीन में ब्रा स्टडीज में भी डिग्री मिलती है। 2011 से 2013 के बीच चीन ने इतने सीमेंट का इस्तेमाल किया जितना अमेरिका ने पूरे 20वीं सेंचुरी में नहीं किया। चीनी लोग हर सेकेंड में 50,000 सिगरेट पी जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल चाइना में है पर ये 2005 तक 99% खाली था। तीर कमान का उपयोग भी सबसे पहले चाइना में ही किया गया था। चाइना के शंघाई शहर में लाल रंग की कार रखना गैर कानूनी है। विश्व के 29% वायु प्रदूषण का कारण चाइना है। शाम 7 बजे से समय ज्यादातर चीनी लोग एक ही टेलीविजन चैनल देख रहे होते हैं। चाइना की आबादी इतनी ज्यादा है कि अगर कह दिया जाए एक लाइन बना के चलो तो ये लाइन कभी खत्म ही नहीं होगी क्योंकि वहां बच्चे ही इतने पैदा होते हैं।
दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आगे आने वाली ऐसे ही कई नई वीडियोस आप लोग आसानी से देख सके। धन्यवाद।